भोला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों पड़ोसियों पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें। हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है ना, एज अराउंड 40 डेज मीटिंग के बाद 35 डेज पर शो होने लगता है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना स्कैनिंग या बिना एक्सरे के, तो ये वीडियो पूरा उसके ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये माय फ्रेंड, ये इनका पैट है। मैं इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनके ऑनर से मिलिए। ये मेरे फ्रेंड हैं जितेंद्र, ये होशियारपुर से आते हैं। आप बताइए इनके बारे में। सर जी, मेरे ब्रदर हैं, मेरे साथ ही हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने भी सर जी से परचेज करना है, तो मैं भी वहाँ पर जाकर देखूँगा सर कैसे अपने डॉग्स को कैसे संभालते हैं, तो मैं खुद इसको साथ लेकर आया। फ्रेंड्स, बार बार क्वेश्चन आते हैं कि बहुत सारे रूरल एरिया में एक्सरा या स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कि सर मीटिंग कराई को 30 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं या 50 दिन हो गए हैं, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि फीमेल ने बच्चा कंसीड किया है कि नहीं। खासकर छोटी ब्रीडों में, जो हम टॉयस ब्रीडिंग गिर के नहीं आते, जैसे मेरे पास आज पग है, पग जैसे छोटी ब्रीडों में बहुत मुश्किल आता है, क्योंकि इनको बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बॉडी से आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शो कब होने लगता है कि बच्चा कंसीड किया है या नहीं। पहले तो प्रे टू गॉड कि सभी फीमेल बच्चे कंसीड करें जो मीटिंग कराई है, क्योंकि हमारी 6 महीनों की मेहनत होती है वो। अभी आइडेंटिफाई कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, 20 दिन 30 दिन पर ज़्यादा मालूम नहीं पड़ता, 35 या 40 डेज पर जाकर ही मालूम पड़ता है कि उसने बच्चा कंसीड किया है। अभी मालूम कैसे पड़ेगा? अभी ये आप डॉग देख सकते हो, इसका बैठने का तरीका अलग हो जाएगा, इसका पीछे से बैली जो होती है ना, ये पार्ट ऑफ बॉडी, वो भी बड़ा होना शुरू हो जाएगी। आगे से नहीं होगा, पीछे से होगा। तो ये कुछ जो आप देख कर ऑब्जर्व कर कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसा मे बी हो सकता है। सेकेंड, डॉग का बिहेवियर बदल जाएगा, वो ज़्यादा सोना पसंद करेगा, ज़्यादा खाना पसंद करेगा, और जब लास्ट के दिन आते हैं तो उसमें वो खाना बिल्कुल छोड़ देता है, उस समय हमें लेवर टॉनिक की जरूरत पड़ती है। तो ये छोटा सा एक आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। और एक अगर आप अगर तो आपके वहाँ सुविधा है एक्सरे की या स्कैनिंग की, तब तो टोटली क्लियर है, तब तो आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि बच्चे कितने हैं, कितने कंसीड किए उसने, सब कुछ मालूम पड़ेगा। क्योंकि बार बार ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर फीमेल डिलीवरी कर रही होगी तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि अभी ये लास्ट बच्चा है, क्योंकि वो तो एक्सरे से या स्कैनिंग से क्लियर होगा। वैसे हम नॉर्मली एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी आप देख सकते हो, मैं पारू सर को कहूँगा कि कैमरा ऊपर लेकर आइए, ये यहाँ से नोटिस कीजिए, आपको यहाँ से इसका बॉडी यहाँ से मोटा दिखाई देगा। तो ये एक सिम्टम्स है। बाकी मेन होता है बॉडी वेट। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि जब भी डॉग हीट पर आए, मोस्टली फीमेल जब हीट पर आए, तो आप उसका बॉडी वेट ज़रूर चेक करके डिवॉर्मिंग कीजिए मीटिंग कराने से पहले। एक तो पेट साफ हो जाता है, एक हम आगे के 90 दिन फिर हम डिवॉर्मिंग नहीं दोबारा कर सकते। और उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि डॉग का अगर हमें बॉडी वेट मालूम हो, तो जब हम प्रेगनेंसी 40 या 50 दिन हो गए हैं, हम फिर दोबारा डॉग का बॉडी वेट चेक करेंगे, तो वो बॉडी वेट बढ़ेगा, उससे भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेरी फीमेल ने बच्चे कंसीड किए हैं। और एक जो सबसे ब्रीडर वे थिंकिंग है, जो ब्रीडर अक्सर एक अंदाज़ा लगाते हैं, जो हमारे काम पुश्तों से काम जो चला आ रहे हैं ब्रीडर, वो क्या अंदाज़ा लगाते थे जब एक्सरा या स्कैनिंग नहीं हुआ करती थी, फीमेल कुछ मीटिंग से 15 या 20 या 30 दिन के आसपास जाकर, जहाँ से पहले स्वेलिंग होती है मीटिंग हीट के समय, ब्लड आता है ना यूरिन के साथ या बाथरूम वाली जगह, वहाँ से वाइट कलर का पानी आना शुरू हो जाता है। वो कभी कभी तो मीटिंग के
हफ्ते 10 दिन के बाद चालू हो जाता है, और कभी कभी वो आखिरी के दिनों में, जैसे जब हमें मालूम होना होता है 30, 40, 50 दिन में, तो वो भी कोई बुरा साइन नहीं होता। बहुत सारे मेरे फ्रेंड एक क्वेश्चन करते हैं कि ये पानी आ गया वाइट, कहीं बच्चे बाहर तो नहीं निकल गए, जाओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, और ये अच्छा साइन होता है वो बट वो एक गैस है, डैम श्योर तो स्कैनिंग एक्सरे से ही होगा। एक और है, डॉग को गर्मी बहुत लगती है, फीमेल मदर को गर्मी के अंदर अंदर बच्चे होते हैं, गर्मी बहुत लगती है, वो बार बार जाकर ठंडी जगह पर बैठेगी। जैसे ये फ्लोर है स्टेनलेस का, वेट स्केल का, तो ये नीचे नहीं आ रही, कभी से देखा यहीं पर बैठी हुई है। तो अभी इस शेप से आप प्रॉपर अंदाजा लगा सकते हो कि इसको आज कितने दिन हो गए सर, इसको आज मीटिंग कराई हुई को 50 दिन क्या हो। तो छोटी ब्रीडों में बॉडी स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि बॉडी वेट अगर से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर बड़ी ब्रीड होगी, मीडियम साइज़ या लार्ज ब्रीड है, तो उनका तो पेट वैसे बहुत बड़ा हो जाता है, वो दूर से अंदाज़ा लगता है। छोटी ब्रीडों में हम बहुत दिक्कत आती है, उसमें बॉडी वेट करना हमें बहुत फ़ायदा करता है। तो माय फ्रेंड, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी कि आप छोटी ब्रीडों को एक बिना स्कैनिंग बिना एक्सरे के कैसे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि फीमेल ने बच्चा कंसीव किया है या नहीं।